दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने किया भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में एक साथ किए जीत के बावजूद दो बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले मैच में जीत के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे T20 मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस बीच उन्होंने खतरनाक रणनीति के तहत टीम के अंदर दो ऐसे बदलाव किए जिनको देखकर आपको भी अपने आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार दूसरे T20 मैच के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने कौन से बड़े बदलाव किए, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच भारतीय टीम ने 2 विकेट से जीता। आपको बता दें, भारतीय टीम ने विशाखापट्टनम के मैदान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर ऑस्ट्रेलिया को 208 रनों पर रोका और इस लक्ष्य को अंतिम गेंदों पर 2 विकेट से हासिल किया। इसके बाद अब भारतीय टीम दूसरा T20 मैच तिरुवंत के ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम में खेलने वाली है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। लेकिन इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे मैच के लिए टीम के अंदर कई बड़े बदलाव कर प्लेइंग 11 का ऐलान किया। दरअसल MS धोनी ने पारी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया, जो कि भारतीय टीम के उपकप्तान हैं। हालांकि पिछले मैच में वो डायमंड डॉग के रूप में रन आउट होकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन यहां पर उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा MS धोनी ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया, जो कि भारतीय टीम के लिए पिछले मैच में 21 रनों की तूफानी पारी खेलकर शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान पर उतरे थे, लेकिन ज्यादा देर तक वो प्रदर्शन करने में नाकामयाब रहे और एक बार फिर से अपना विकेट जल्दी गंवा बैठे। ऐसे में एक बार फिर इनको टीम में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन को शामिल किया, जो कि पिछले मैच में 58 रनों का योगदान देकर आए थे, और ऐसे में एक बार फिर से उनसे 58 रन और उससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद मैच में की जा रही है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव को शामिल किया, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं। सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में 80 रनों का योगदान दिया था और ऐसे में एक बार फिर से उनसे इसी तरीके से तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। उनके द्वारा कप्तानी पारी की भी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा MS धोनी ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह को शामिल किया, जो भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी पिछले कुछ समय से रहे हैं। रिंकू पिछले मैच में भारत को छक्का लगाकर जीत दिलाने वाले खिलाड़ी रहे हैं और ऐसे में रिंकू सिंह एक बार फिर से भारत के लिए टीम में जगह बना रहे हैं। हालांकि रिंकू सिंह टीम की स्थिति को समझकर बल्लेबाजी करना जानते हैं और समय आने पर तूफानी पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने का दायित्व भी रखते हैं, और ऐसे में इनको भारत का रास्ता दिखाना काफी ज्यादा कठिन है। ऐसे में भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने ऑलराउंडर के रूप में सबसे पहले शिवम दुबे को शामिल किया, जो भारतीय टीम के लिए तिलक वर्मा की गैर मौजूदगी में खेलते दिखाई देने वाले हैं। तिलक वर्मा ने इस मैच के अंदर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और ऐसे में अब उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह पर शिवम दुबे को शामिल किया गया, जो अपनी तूफानी पारी के दम पर विरोधी टीम को चारों खाने चित कर सकते हैं और अपनी गेंदबाजी से भी विरोधी टीम को परेशान करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को शामिल किया है, जो पिछले मैच में ना बेहतरीन गेंदबाजी करते दिखाई दिए और ना ही अच्छी बल्लेबाजी करते दिखाई दिए, और ऐसे में एक बार फिर से अक्षर पटेल को महेंद्र सिंह धोनी ने मौका दिया और ऑलराउंडर के रूप में टीम के अंदर शामिल कर लिया, जो अपने प्रदर्शन के दम पर भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में जीत दिलाएंगे। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने स्पिन गेंदबाज के रूप में रवि बिश्नोई को शामिल किया है, जो पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन एक बार फिर से इनके ऊपर स्पिन गेंदबाज की जिम्मेदारी है। इसके अलावा MS धोनी ने तेज गेंदबाज के रूप में अर्षदीप सिंह को शामिल किया, जिन्होंने पिछले मैच में ठीक ठाक गेंदबाजी की थी और ऐसे में एक बार फिर से उनसे शानदार गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही है। तो वहीं दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में मुकेश कुमार को MS धोनी ने शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की और ऐसे में एक बार फिर से उनको शामिल किया गया। इसके अलावा अंतिम गेंदबाज के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को MS धोनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनकी जगह पर आवेश खान को टीम के अंदर शामिल किया गया है, जो अपनी गेंदबाजी से सभी को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसे में अब महेंद्र सिंह धोनी इन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर जीत के लिए उतरेंगे। दोस्तों, रोहित शर्मा के साथ हुई फाइनल मैच में बेईमानी को देख
देखकर भड़क उठे वेस्टइंडीज के दिग्गज। फाइनल मैच को दोबारा कराने के लिए किया आईसीसी से अनुरोध। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम की हार के साथ वर्ल्ड कप जीत का सपना भी टूट चुका है। हालांकि मैच में हार के बाद अब रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी का खुलासा सभी के सामने हो चुका है। इस बीच वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी को लेकर बयान दिया और इस दौरान क्रिस गेल से लेकर ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड्स ने रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी को देखकर ऑस्ट्रेलिया को फटकार लगाने के साथ एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने भारत के साथ हुई बेईमानी को देखकर क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम और रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी के बाद फाइनल मैच दोबारा से होना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वनडे विश्व कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के खिलाफ शानदार अंदाज से जीता है, जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया, भारत के करोड़ों देशवासियों का दिल टूटा। हालांकि इस मैच में भारतीय टीम की हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की बेईमानी का खुलासा हुआ। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा को गलत तरीके से आउट देने वाली अंपायरिंग और ऑस्ट्रेलिया की चीटिंग साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसे में वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान दिया, जिसमें क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैचों में भारतीय टीम को बेशक जीत ना मिली हो, लेकिन वो इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जीत के असली हकदार थे, क्योंकि भारतीय टीम ने लगातार 10 मैचेस जीते थे और ऐसे में कोई भी टीम लगातार 10 मैच जीतने के बाद चैंपियन बनने से अपने आप को रोक नहीं पाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के साथ इस फाइनल मैच में काफी बड़ी बेईमानी देखने को मिली। अगर रोहित शर्मा को चालाकी के साथ पवेलियन का रास्ता नहीं दिखाया जाता तो रोहित शर्मा अर्धशतक के साथ शतक लगाने के बाद भारत को 400 तक पहुंचाने का काम करते, लेकिन यहां पर उनके साथ हुई बेईमानी के चलते भारत को नुकसान हुआ। तो वहीं ड्वेन ब्रावो ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम को बेईमानी के चलते हार का सामना करना पड़ा है और इस मैच में अगर हेड रोहित शर्मा को गलत तरीके से कैच आउट नहीं करते तो शायद भारतीय टीम का स्कोर कुछ और होता और भारतीय टीम बिना प्रेशर के मैच को आसानी से अपने नाम कर लेती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में रोहित शर्मा के साथ सरेआम बेईमानी को देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मैच में बेईमानी होने का मकसद आईसीसी के नियमों को चरम पर रखने के बराबर है। मैं चाहता हूं कि आईसीसी फाइनल मैच और दोबारा से कराने का बड़ा निर्णय ले। तो वहीं ब्रायन लारा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा। पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था और अंतिम मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसके चलते भारत को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने काफी संघर्ष किया और ऑस्ट्रेलिया के बीच को आसानी से जीतने नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के साथ फाइनल मैच में हुई बड़ी बेईमानी को देखकर मुझे लगता है कि आईसीसी को अपने अंपायरिंग में काफी बड़े बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि एक मैच के कारण भारत का दिल टूटा है। तो वहीं विवियन रिचर्ड्स ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा और इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था उसकी तारीफ होनी चाहिए। हालांकि अंतिम मैच में पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच को बेईमानी के चलते जीती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के कैच को लेकर हुई बेईमानी से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि आईसीसी कभी भी कोई मैच अपने प्रदर्शन के दम पर नहीं जीत पाती है, बल्कि बेईमानी के चलते मैच को अपने नाम करती है। और ऐसे में आईसीसी से दरख्वास्त मैं करता हूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच दोबारा से कराया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, फाइनल मैच दोबारा से होना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।